सिविल सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट आज जारी हो गया। इसमें लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है। बताया जा रहा है कि यूपीएससी टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ के रहने वाले हैं, जिन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है और आदित्य श्रीवास्तव अभी हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। साथ ही 2022 में उनका चयन आईपीएस में हुआ था और वो 5.5 महीने की ट्रेनिंग कर भी चुके हैं, जिसके बाद आज आदित्य ने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में टॉप करने वाले आदित्य के घर पर हम हैं। यहाँ खुशियों का माहौल है, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। तो पूछते हैं कि आखिर क्या, कैसे आदित्य यहाँ तक पहुँचा, सर बताइए कैसे, उसने कितनी मेहनत की और कैसे आज यूपीएससी में टॉप कर गया? नहीं, मेहनत तो ऐसे पढ़ाई में शुरू से अच्छा था वो, पढ़ाई में मैंने प्री प्राइमरी से समझ लीजिए पढ़ाई में टॉपर रहा वो। तो हम लोग का भी एक देखा कि उसका पढ़ाई इस तरह का है, तो भाई हमने भी उसको जो लगाया कि प्रशासनिक सेवा में अगर ये आगे जाता है तो अच्छा रहेगा, तो उसको हम लोगों ने प्रेरित किया था कि प्रशासनिक सेवा में जाए। और उसके सब्जेक्ट सब मैंने डीप नॉलेज उसको हर चीज़ का था उस समय, तो वो करता चला गया, तेज था ही शुरू से पढ़ने में वो। सर यूपीएससी के लिए कितने अटेम्प्ट दिया आपने? 3 अटेम्प्ट था, ये थर्ड है उसका। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके प्री में नहीं हुए थे, वो एक्चुअली जॉब कर रहा था, उसको रिजाइन में लेट हुआ जो भी कहिए, लेट से उसने रिजाइन किया उस समय, तो समय मिला नहीं पढ़ाई का उसको। उस साल उसको प्री में नहीं हो पाया था 21 में, फिर नेक्स्ट बार उसने दिया तो आईपीएस हो गया, थर्ड अटेम्प्ट ये है उसका। सर ये बताइए कि कैसे, मतलब यहाँ पे रह के उसने पढ़ाई की, कोचिंग की या कैसे? सेल्फ स्टडी, हमने उसको कहा भी था जब पहली बार उसका रिजल्ट खराब हो गया था, तो हमने कहा था कि सब परिवार वाले ने कहा कि दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में तैयारी होती है, लेकिन उसने कहा कि नहीं सर, हम करेंगे घर पे ही तैयारी करेंगे, घर पे ही करेंगे। तो जब उसका मन था करने का तो सेल्फ स्टडी किया उसने, और जो बाद में प्री के पहले जो है टेस्ट 3 ज्वाइन किया था उसने, तो कुछ आईएएस विजन के टेस्ट 3 ज्वाइन किए थे प्रैक्टिस के लिए, तो उसने वही 1 महीने पहले प्रैक्टिस किया होगा प्री का, बस वही किया था। और जब उसके पिछली बार सिलेक्शन हुए थे मेंस में, तो मॉक इंटरव्यू के लिए वो 7-8 मॉक इंटरव्यू के दिल्ली गया था, वही है। और सब सेल्फ स्टडी उसका रिटर्न के लिए रहा पूरा। सर आदित्य कोई प्रेरणा कहाँ से मिली? आप भी एक ऑफिसर्स हैं आपके द्वारा या फिर परिवार में और लोग भी हैं? प्रेरणा में मामा जी हमारे हैं, जो बताया कि एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं वो, विनोद कुमार जी हैं, तो प्रेरणा स्रोत तो उसके वही हैं सिविल सर्विस के लिए। सर हाल फिलहाल वो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब आईएएस बनने जा रहे हैं, परिवार में और क्या खुशियाँ हैं? कोई और बच्चे भी हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं? बेटी हमारी है, तो हमने उसको अभी इंटर की थी वो इस साल, तो हमने उसको डीयू में भेजा है पढ़ने के लिए, उसकी भी इच्छा है कि तैयारी करने की है, तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग को पूरा होता है सपना, तैयारी वो भी करेगी सिविल सर्विस की। और हॉबीज़ क्या है पढ़ाई के अलावा और भी कुछ? हॉबी उसके क्रिकेट का है, क्रिकेट मैच देखता है, क्रिकेट खेलता है, और थोड़ा डायनासोर के बारे में उसको जानकारी एकत्रित करना बहुत पसंद है। देखेंगे आप उसका पुराना इंटरव्यू, तो डायनासोर का उसको बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा, मैंने जो ऐसे ऐसे उसको नाम याद है डायनासोर के, जो प्रजाति होती है डायनासोर की, कि मैंने अभी हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, तो बहुत उसको शौक है डायनासोर के बारे में पढ़ाई करने का, तरह तरह की। सर जैसे आदित्य की बात करें तो आईपीएस है, तो आईपीएस की सर्विसेज भी कोई कमतर नहीं मानी जाती है? वो एंजॉय कर रहा था आईपीएस का, वो कहा था पापा देखिए लास्ट अटेम्प्ट हमारा है, अब हम देंगे नहीं एग्जाम, भाई पढ़ाई बहुत कर ली है, अब जिस लाइन में जिसमें जाना है भाई क्यों हम बर्बाद करें, जिसमें जाएंगे उसी में अपना आगे बढ़े उसमें, तो वो आईपीएस को एंजॉय कर रहा था, अटेम्प्ट दिया था मन से उसने, उसको आईएएस बनने का तो उसको था, लेकिन अगर बाई चांस किस्मत नहीं भी होता तो एंजॉय करता आईपीएस में वो। आदित्य का रूटीन क्या था, कितने घंटे पढ़ाई करता था और कैसे आगे? रेगुलर 10 से 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई तो थी उसकी, मिनिमम, उसे ज़्यादा पढ़ता था कम नहीं पढ़ता था, रेगुलर, और उसका रेगुलर पढ़ाई था, कोई दिन ऐसा नहीं गैप करता हो, या कोई उसके तरह तरह के शौक भी नहीं थे कि कहीं जा रहा है या कुछ नहीं, थोड़ा गाना गाने का शौक है उसको और गाना सुनता है और क्रिकेट मैच देखता है और खाने का शौकीन है, बस वही है इसका। ये स्टॉप कर गए हैं आदित्य, आपको खबर कैसे मिली इसकी? उसी ने वो खबर दिया, उसने लंच में वो आया हुआ था, लंच में आया था वही बताया फ़ोन करके, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हमको और इसकी मम्मी को, उसने बताया पापा जी कुछ रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो गया लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो हमको लगा कि लगता है कि रैंक अच्छा आ गया, वो तभी बता रहा है वो, हमको लगा टॉप 50 में आ गया लगता है, बोला कि मेरा रैंक 1 आ गया है, तो हम लोग को भी विश्वास हो, देखिए नहीं हुआ, मैंने हमारा भी लगा सपना तो नहीं देख रहे हैं कहीं, लेकिन फिर हमने भी उसने उसको बोले कार्ड दिया ताकि उसको जाना था ट्रेनिंग में, फिर हमने नेट पर देखा, जब देखा कि नहीं आया तो उम्मीद तो था ही उससे कर ले जाएगा, लेकिन रैंक 1 की उम्मीद तो हम लोग को भी नहीं थी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आदित्य के पिताजी बता रहे थे, कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर आदित्य ने ये मुकाम हासिल किया है, और ये एक सबक उन लोगों के लिए है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और लगातार फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि आदित्य भी 3रे अटेम्प्ट में आईएएस टॉप कर पाया है, तो जाहिर तौर से उम्मीदें कई हैं, और आदित्य के पिताजी से और पिताजी का परिवार जो है वो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं परिवार भी उसका सहयोग में आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल कामयाब होने के लिए परिवार का हौसला और उम्मीद बहुत जरूरी है। कैमरामैन धर्मेंद्र साथ अनुराग त्रिपाठी, प्राइम टीवी।